और किसी टोटका, कोई फायदा कोई नफा। मैं इसलिए पूछता हूं, पूरी हरमन जी, दुनिया को आपकी जात से नफा होगा। अबकरी ने बताया, आपने आजमाया, और फिर ये बिल्कुल बताया और आजमाई हुई चीज लोगों को बताएं, अल्लाह की मखलूक को फायदा हो जाएगा, किसी का घर बस जाएगा, किसी के दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जी बताएं। हज़रत जी, ये जो सूरह अल-मिश्रा, जी मेरे हस्बैंड को पिछले हफ्ते जो है ना गुर्दे में बहुत ज्यादा तकलीफ स्टार्ट होती, हमें नहीं था पता पथरी है, तो सब घर वालों ने ये पढ़नी शुरू की है सूरह अल-मिश्रा, आपने बताया हुआ था, जी तो मतलब खुद ही वो पथरी जो है ना बाहर आ गई। जी, अलम नशरा की वजह से। सूरह अल-मिश्रा की वजह से हजरत जी बहुत से फायदे हैं, बहुत से फायदे हैं आपके, जितने वजायफ हैं जिस नियत से करें अल्लाह पाक जो है वो काम कर देते। अल्लाह पाक की रहमत हो आप पे और ज्यादा खैर हो। मेरी मेरी नस्लों के लिए, जी मेरी मेरी नस्लों के लिए बस दुआ कर दें, अल्लाह पाक सदा आपके साथ जुड़ी रखें अल्लाह सबके और लिए खैर। तस्वीर दोबारा मुझे अफाक की तस्वीर दे दें हजरत जी, वो मुझसे ज्यादा पढ़ी नहीं जा रही, मैं चाह रही हूँ कि मैं 1.25 लाख उसका खत्म करूँ, सवालाख क्योंकि अगर आपने मुझे आप खास खास सही दी सवालाख अगर आप अफासिबतुम पढ़ लेंगे तो फिर आप जी। के लिए मसाइल होंगे। जी हजरत जी, मेरी नियत है बस आप दुआ करें उससे हो जाए, मैं कहता हूं आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। मिसाइल पैदा होंगे, नहीं हजरत जी आपकी दुआ होगी तो नहीं होंगे। अच्छा, क्योंकि मसाइल, सबसे पहला मसला यह है कि दौलत इतनी आएगी संभाली नहीं जाएगी, ये बहुत बड़ा मसला होगा। रिस्क बहुत आएगा, अच्छा इज्जत बहुत मिलेगी। हजरत जी, मुझे बड़ा कुछ मिला फासिस्तन से, बहुत कुछ मिला है, बस आप दुआ करें कि हम गुमराह ना हो जाए, सबकी को छोड़े ना, बस ये जो आपने बात कही है ना, गुमराह ना हो जुड़े जाएं, ये बहुत कम लोगों को रहे। जी समझ आती है, क्योंकि मिलने के बाद फिर इंसान उस हस्ती को छोड़ देता है, उस जगह को छोड़ देता है जहां से पाया था। बहुत कम होते हैं जी जिनके हजरत अंदर जी, बस एहसान मंदी का यही जज्बा होता है। चीज है, मैं चाहती हूँ मेरी नस्लें भी जुड़ी रहे, मेरे बच्चे भी जुड़े रहे, मैं भी जुड़ी रहूँ, मैं जिस चीज को बताऊँ सबको फायदा हो भी रहा है हजरत जी, बहुत हो रहा है, मैं उसको बताती हूँ बहुत फायदा हो रहा अल्लाह सबको फायदा है, हो, मजीद आप खैर मुझे अता तस्वीर फरमाए। दे दें। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत खैर है, बरकत है अल्लाह ने आपको दी है। अल्लाह पाक के लिए हजरत जी दुआ कर दें, आपका सितम की इजाजत दे दें, एक दफा मैं 1.25 लाख कर लूं। जी आपको 1.25 करोड़ की इजाजत है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हजरत जी सब दुआ कर दें, सुनने सबको वालों को जिसको भी, बताऊं अल्लाह पाक उसके भी सारे काम बना दे। सब सुनने वालों को भी है, आपको भी है, और ये बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा है। हजरत जी, हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं आपके लिए, अत्री के लिए, आपकी नस्लों के लिए, आपके वालदैन के लिए। अल्लाह कबूल फरमाए, दुआ करता हूँ आपके लिए। आमीन जज़ाकअल्लाह। आमीन। अफासिब तुम बात फिर वही यकीन पे आ जाती है। जितना कामिल यकीन होता है और जितना एतमाद होता है उतना नफा होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें।